बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हमारे इस चैप्टर का, जो हमने मैक्रो का चैप्टर शुरू किया हुआ था, थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल वाइंड अप करेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट करना बहुत जरूरी है। आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम नॉर्मली मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। प्लीज आप इसको मनी मल्टीप्लायर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। मनी मल्टीप्लायर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है इसको जानते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग किस तरीके से होती है, और साथ ही साथ आज हम उसका डायग्राम भी करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को आज हम वाइंड अप करेंगे। बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट में चेंज किया जाता है जिसके बदले में इनकम में कितना चेंज हुआ उसको नोटिस किया जाता है, और जितना चेंज इनकम में हुआ, जितना टाइम इनकम में हुआ, उसको हम मल्टीप्लायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम के भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में कितना चेंज आता है इन्वेस्टमेंट के चेंज करने की वजह से, उसके कितने टाइम्स चेंज हुआ उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी प्रेजेंटेड हियर एज के, एंड के का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। हियर के रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर, चेंज इन वाई रिप्रेजेंट्स आपका इनकम, चेंज इन इनकम, एंड चेंज इन आई रिप्रेजेंट्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, ये एक छोटा सा फॉर्मूला भी है मल्टीप्लायर। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। अब आप लोगों को MPS, MPC सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। MPS रिप्रेजेंट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो k इज इक्वल टू MPS। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस MPC। हमें पता है कि 1 माइनस MPC इज MPS, तो हम सीधा सीधा MPS को 1 अपॉन माइनस MPC भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से K के तीन फॉर्मूले बनते हैं, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, 1 अपॉन MPS एंड 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ये तीन हमारे मल्टीप्लायर के फॉर्मूले हो गए। यहां तो की हमने फॉर्मूले की बात, अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, वर्किंग और मल्टीप्लायर को समझने के लिए पहले मैं आपको दो तीन लाइनें एक बेस बना देती हूँ, फिर आपको ये वर्किंग भी समझ आएगी। आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इकोनॉमी में जब भी पैसा लगाया जाता है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो जिसने इन्वेस्टमेंट की उसका वो एक्सपेंडिचर होता है, बट जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की या जिनको वो पैसा मिला वो उनकी इनकम हो गई। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे बोलते हैं कि इन एन इकोनॉमी एज एक्सपेंडिचर इज बीज इनकम, बीज एक्सपेंडिचर इज सीज इनकम, एंड सीज एक्सपेंडिचर इज डीज इनकम। दैट मींस If I am doing expenditure on certain commodity and the person who is getting that income, it's his income but mine's expenditure. तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसकी तरफ से तो वो इन्वेस्टमेंट था, बट उस इन्वेस्टमेंट ने आगे जाके क्या गुल खिलाए वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सी, यहाँ पर मैंने छोटा सा टेबल लिया है, जिस टेबल के अंदर मैंने रैंडमली 5 राउंड्स दिखाए हैं और आगे के राउंड्स को कॉन्टिन्यूशन किया हुआ है, और उसी से मैंने इन्वेस्टमेंट और इनकम पे इम्पैक्ट दिखाया है। यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि एमपीसी 0.75 है। 0.75 मींस, यहाँ पर क्या मतलब है 0.75 का, कि अगर आपके पास 1 रुपया आपने खर्च किया है तो उसमें से 0.75 कंजम्पशन में जा रहा है और 0.25 आपका सेव हो रहा है। जो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है वही आगे जाके वर्किंग में आएगा या वही आपका सर्कुलेशन में आएगा इकोनॉमी के। जो चीज सेव हो जाती है वो इकोनॉमी में डेड मनी के नाम से जानी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जब मैंने इन्वेस्टमेंट एग्जांपल लिया है 100 रुपए का या 100 करोड़, कुछ भी, यू कैन टेक एनीथिंग। इफ यू वॉन्ट टू मेक इट सिंपल यू कैन टेक ₹100, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट मोर कॉम्प्लीकेटेड यू कैन टेक इट एज करोड़ एटसेट्रा। सो मैं यहाँ इसको सिंपल बनाने के लिए 100 रुपए ले रही हूँ। तो 100 रुपए का मैंने अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया अपनी कंपनी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, सपोज मैंने मशीन खरीद ली नई, या मैंने नया कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, कुछ भी मैंने कहीं भी किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया है 100 रुपए का। तो जब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम हमारी बड़ी 100 रुपए से, क्योंकि वो 100 रुपए एक बार फर्स्ट राउंड में तो उतरेगा उतरा ही जाएगा। 100 रुपए से इनकम बढ़ी तो लोगों की, तो मगर उनमें से सिर्फ 0.75
0.75 जो हमने एमपीसी लिया है 0.75 उतना ही कंज्यूम हुआ, बाकी जो 0.25 है वो आपका सेविंग में चला गया। तो 0.75 का मतलब 100 का क्या हो गया 3/4, तो 3/4 ऑफ 100 इज 75। तो इसका मतलब 100 रुपए जो खर्च हुए उनमें से 75 रुपए डेट मीन 75 रुपीज कंजम्पशन में गया और 25 चला गया आपकी सेविंग्स के अंदर, तो जिसकी वजह से मनी इन सर्कुलेशन कितना आया 75। अब ये 75 रुपीज आपकी इनकम में जुड़ गया आपके यहाँ पर। अब अगेन वही प्रोसेस दोबारा शुरू होगा, क्योंकि जब बी ने इसको आगे खर्च किया होगा राउंड टू में तो 75 रुपीज जब उसने एक्सपेंडिचर किए तो 75 का अगेन 75% दैट इज 0.75 फिर से खर्च हुआ कंज्यूम हुआ और बाकी के 0.25% आपका सेविंग में चला गया। तो अगेन 3/4 ऑफ 75 इज 56.25 दैट इज अगेन एडेड इन इनकम, वो फिर से आपका इनकम में आके एड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था एक का खर्चा दूसरे की इनकम, तो वो यहाँ आके एड ऑन हो गया। इसी तरीके से इसका फिर 3/4 निकालेंगे देन वी विल गेट 42.19, अगेन इसका 3/4 इज 31.64 एंड दिस प्रोसेस विल गो टिल इट विल बिकम जीरो। तो जब ये पूरी टोटल इनकम हम निकाल लेंगे, चेंज इन इनकम निकाल लेंगे, तो द वैल्यू विच वी आर गेटिंग एट द एंड इज रुपीज 400। अब ये 400 क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? ये 400 हमें ये बता रहा है कि 100 रुपए अगर एक इन्वेस्टर ने या प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किए हैं तो उससे होने वाली जो इकोनॉमी में इनकम थी वो थी 400 रुपए। तो 400 रुपए इकोनॉमी में क्रिएट हुए 100 रुपए इन्वेस्ट करने की वजह से। तो बहुत ही सिंपल है, मेरे को दो ही चीजें चाहिए थी मल्टीप्लायर निकालने के लिए कि कितने पैसे इन्वेस्ट हुए और कितने इनकम आई दोबारा। तो इनकम आई 400 और इन्वेस्टमेंट हुई थी 100, तो दिस इक्वल टू 400 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 4। व्हाट इज 4 है? 4 इज के, 4 इज मल्टीप्लायर, बिकॉज k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। इसको एक और तरीके से भी मैं प्रूफ कर सकती हूँ। देखिए k का एक फॉर्मूला मैंने ऊपर ये भी लिखा है कि k इज इक्वल टू 1/(1-MPC) एंड व्हाट इज एमपीसी है? है एमपीसी 0.75। अगर मैं 1/(1-0.75) लिखती हूँ तो मेरे पास आता है 1/(0.25) दैट इज अगेन 4। दैट मींस आई एम 100% एब्सोल्युटली करेक्ट, हावर मल्टीप्लायर वैल्यू इज 4। तो ये तो था मल्टीप्लायर का वर्किंग का कॉन्सेप्ट, जो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको अगर डायग्रामेटिकली भी दिखाना हो, यह हर बुक में नहीं मिलेगा आपको डायग्रामेटिकली इसका प्रेजेंटेशन, मैंने कोशिश की है यहाँ आपको समझ आ जाए इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखिए सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट ली है आई, दिस इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज माई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये कर्व ऊपर की तरफ नो डाउट शिफ्ट हो जाएगा, तो मैंने उसको एक नया नाम दिया है आई डैश, दैट मीन्स दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैंने 100 रुपए से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जब 100 रुपए से जब इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो नीचे मैंने इनकम ली है, इनकम में भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये मैंने एक लाइन बनाकर यहाँ पर और ये इस तरीके से मैंने दो डॉटेड लाइन इस डॉटेड लाइन से इसको शो किया है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नया जो इनकम है वो क्या क्या है। तो आप देखिए पहले 400 रुपए इनकम थी, अब 800 होने लग गई, तो 800-400 इज अगेन 400, तो 400 अपॉन में 100 इज 4। तो मल्टीप्लायर को शो करने का डायग्रामेटिकली इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये बेस्ट तरीका है जिससे आप डायग्रामेटिकली भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को दिखा सकते हैं। तो दिस होल कॉन्सेप्ट इज टेलिंग अस अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है जिसकी वजह से इनकम में कितना गुना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम बाय सेम अमाउंट इन फर्स्ट राउंड and MPC being 0.75, consumption is equal to 3/4 of 100 and this process will go on. इस तरीके से आप इसको लिखेंगे and it is not at all necessary कि आप इसको 0.75 ही लें, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया है। यू कैन टेक इट एट 0.5, यू कैन टेक इट एट 0.98, एनीथिंग, आपको लेना ही वन से अंदर ही है, वो आपके विषय, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं जितना भी आप कंजम्पशन अपना दिखाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको 10 या 15 मार्क्स में बड़े आराम से मिलेगा एंड यू हैव एनफ कंटेंट टू राइट इट डाउन, सो गो विद इट। और आपको अगर कोई भी डाउट है यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन जस्ट कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।